तो अभी जो हम लोग आए हैं गाइस, ये वाला पंडाल मानगो का पंडाल है और देख सकते हो यहाँ का दुर्गा पूजा पंडाल इस टाइप से इस बार बनाया गया है। देख सकते हो इस टाइप का है। आज से ओपनिंग था गाइस, इस वजह से उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है। यहाँ से अंदर जाना अभी फिलहाल के लिए वर्जित है। देख सकते हो अंदर तक तो नहीं दिखा सकते फिलहाल, अभी इतना देखते गाइस। सुनहरे गोल्डन कलर में यहाँ का मूर्तियाँ बनाई गई है। तो गाइस अभी जो मैंने दिखाया ये मानगो का पंडाल है, तो इस टाइप से बाहर से इंटरियर है इसका, देख सकते इस टाइप से डिजाइन किया गया है। तो चलिए गाइस अभी हम लोग सोनारी जाने वाले हैं, तो सोनारी का दिखाते हैं, उसके बाद चल जाएंगे आदिशपुर मलखान सिंह का जो काफ़ी फेमस हुआ करता है। इधर मेरा मोटा भैया देख सकते हो साथ लाए हुए हैं। तो गाइस अभी हम लोग सोनारी का पंडाल पहुंच चुके हैं, तो देख सकते हो यहाँ का भव्य दृश्य, इतना शानदार महल यहाँ पे बनाया गया है। तो गाइस देख सकते हो आज से शुरुआत है, तो काफ़ी खाली लग रहा है, काफ़ी जल्दी आए हैं हम लोग तो, लेकिन कल परसों से यहाँ पर इतना भीड़ होने वाली है गाइस कि आप लोगों को आने में बहुत टाइम लग जाएगा दर्शन के लिए, तो बहुत भीड़ होने वाली है। तो हम लोग पहले ही आ गए हैं भैया के साथ में, तो देख सकते हो। तो चलिए दिखाते हैं अंदर का यहाँ का नज़ारा। तो देख सकते हो दो लोग यहाँ पे आए हैं। राम मंदिर पूजा पंडाल आए हुए हैं गाइस, और यहाँ का पंडाल का दर्शन कराते हैं। चलिए गाइस अब फ्रेश होने के बाद हम दिखाएंगे आदिशपुर का चपाटी। तो देख सकते हो गाइस यहीं पे इसी मैदान में रावण दहन होता है, तो इसको भी कितना अच्छा से सजाया गया है, तो देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं रावण दहन का वीडियो भी दिखाने वाला हूँ। तो गाइस अगर आप न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट
अभी जो मैं आप सबों को दिखाने जा रहा हूँ गाइस, ये वाला सर्किट हाउस एरिया का पूजा पंडाल है। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ का सबसे भव्य मूर्तियाँ और कितना सुंदर तरीका से बनाया गया है, तो आप लोग देख सकते हो।